नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदली बाजार आजमगढ़, एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लच्छीरामपुर आजमगढ़, QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाड़ी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सोमवार को दिन में शहर के भंवरनाथ मंदिर में LED स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ BJP कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। दर्शन पूजन के बाद सांसद और अखिलेश मिश्रा ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद का वितरण किया। लाइव प्रसारण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। इस दौरान जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, लोगों के चेहरे पर भावनाओं व भक्ति भाव साफ झलक रहा था। चाहे वह आम आदमी हो चाहे वह VIP ही क्यों ना हो। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब भगवान पैदा हुए थे और उनका नामकरण हो रहा था, तभी यह कहा गया था कि दो अक्षर का नाम होना चाहिए। यह भले दो अक्षर का नाम है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड शामिल है। आज जितने भी राम भक्त हैं, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। सांसद निरहुआ ने कहा कि भाग्यशाली हैं, हम लोग यह पल देख पा रहे हैं। हम लोगों की कई पीढ़ियां संघर्ष करते करते खत्म हो गई। उनका भी सपना था कि अयोध्या में रामलला को विराजमान होते देखे, पर वह नहीं देख पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। प्रभु की कृपा है कि हम लोग रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु राम को वही पा सकता है जो स्वार्थ को छोड़ दे। कहा कि मुझे लगता है कि राम को पाना है तो पहले स्वार्थ को छोड़ना होगा। विपक्ष स्वार्थ में इतना वशीभूत हो गया है कि राम उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। कहा कि विपक्ष अभागा है कि निमंत्रण के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। कहा कि विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक बता रहा है। हकीकत यह है कि विपक्ष को राजनीति के अलावा कुछ दिखता नहीं है। वहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि वह बहुत ही सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रही है। राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है और सही मायने में आज ही दिवाली है। उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री बने और कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग बहुत तेजी से चली, तब संभव हुआ। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम युद्ध जीत कर आए थे, इसी तरह से कलयुग में रामलला कोर्ट में केस जीत कर आए हैं। खुशहाली है हम लोग कि हम लोग ये पल अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। हम लोगों की कई पीढ़ियां संघर्ष करते करते खत्म हो गई। उनका भी यही सपना था कि वो रामलला को विराजमान होते हुए अयोध्या में देखें, पर वो नहीं देख पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। प्रभु की कृपा है कि हमारे रामलला का हम दर्शन कर पा रहे हैं। विपक्ष अभागा है कि इस अवसर पर दूर रहा। नहीं, मुझे लगता है ये भी प्रभु राम की ही कृपा है, क्योंकि राम को वही पा सकता है जो अपने स्वार्थ को छोड़ दे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो मुझे राम मिल जाएंगे। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसको राम नहीं मिलेंगे, वो उसी में फंसा रहेगा। तो मुझे लगता है कि राम को पाना है तो पहले स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। तो विपक्ष जो है वो स्वार्थ में इतना वशीभूत हो गया है कि वो राम उसको मिल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए, राम के आगे जाके ये सब चीजें बहुत तुच्छ हो जाती है, वोट और कुर्सी सिंहासन। जिस राम में पूरा ब्रह्मांड विराजमान है, अब उस राम के आगे ये सब चीजें बड़ी तुच्छ है। इन सब बातों के बारे में अगर कोई सोचे तो सच में आपने सही वर्ड कहा, अब आगे ही होंगे ऐसे लोग। अखिलेश भैया कह रहे थे कि हमको बुलावा आएगा तो जाएंगे, अब बुलावा आया तब भी नहीं गए। मैंने कहा ना कि जो लोग भी स्वार्थ
जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक वो राम तक नहीं पहुंच पाएंगे। राम को पाने के लिए आपको स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापी राम, जब सबके अंदर राम दिखने लगेंगे तब आप आराम से सब स्वार्थ त्याग करके और प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाएंगे। आज पूरा देश राममय है, पूरा विश्व राममय हो गया है, विपक्ष कह रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम है। विपक्ष को राजनीति के अलावा कुछ सूझता भी तो नहीं है, और कहीं भी उनकी राजनीति जो है वो कहीं टिकती भी नहीं है। तो अब प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा हो रहा है, खाई गया है हुई है सोई जो राम रची राखा। तो भगवान राम ने रचा है कि हम लोग राम के भक्त जो है पूरी दुनिया राममय हो करके राम राम करेंगे, और ये लोग जो है वो राम से दूर रहेंगे। ये भी कृपा राम की ही है जी, बिल्कुल। ये मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ। मुझे पता नहीं कितने जन्म मैंने इससे पहले लिए होंगे, जब मैं भी शायद तरसी होंगी ये गोल्डन टाइम देखने के लिए। और इस जीवन काल में मुझे श्री राम जन्मभूमि पर राम लल्ला का मंदिर बनते हुए, उनकी इतनी सुंदर प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि मैं इस समय पर हमारे देश में पैदा हुई हूँ और मुझे ये गोल्डन पीरियड देखने मिल रहा है। अभी भी कुछ लोग निमंत्रण पाने के बाद भी नहीं गए, उनके लिए क्या कहेंगी जो अभागे हैं रह गए इतने हम सुनहरे अवसर पर? जैसे क्या होता है, निमंत्रण मिलना, निमंत्रण किसी को देना, ये तो इंसान का काम है, इंसान करता है कि किसी को निमंत्रण दे सकता है। लेकिन किसी का भाग्य लिखना राम का काम है। अगर राम ने उसके भाग्य में नहीं लिखा होगा तो वो नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर राम ने भाग्य में लिखा होगा तो पहुंच पाएंगे। तो इसको मैं यही समझती हूँ कि श्री राम जी ने उनके भाग्य में नहीं लिखा था, वो शायद नहीं चाहते होंगे कि ऐसे लोग उनके आसपास हों। फिलहाल आज क्या कहेंगी जो राममय पूरी दुनिया हो गई है, पूरा इंडिया हो गया है, क्या कहेंगे राम भक्तों के लिए? मैं राम भक्तों के लिए यही कहूंगी कि बहुत सौभाग्य से ये अवसर हम सबको मिला है अपने जीवन काल में। दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, खुशी मनाएं, श्री राम घर आए हैं, इस चीज का जश्न मनाएं। जय श्री राम। एक तरफ जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में महिलाओं की होने वाली डिलीवरी रोज की अपेक्षा अधिक हुई। डॉक्टर सुबह से ही तैयार होकर बैठे थे। वहीं आज पैदा होने वाले बच्चों के परिजनों ने अपने अपने बच्चों का नामकरण भगवान श्री राम से मिलता जुलता कर दिया है। वहीं जिला महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर विनय यादव ने बताया कि एक तरफ जहां आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके उपलक्ष में आज हम लोग हॉस्पिटल को पूरी तरह से तैयार रखे हैं। कुछ लोग सिजेरियन डिलीवरी के लिए आए हैं, हम लोग उनका स्वागत किए हैं। वो जिस टाइम में चाहे हैं उस टाइम में हमने सर्जरी किया है। उनका कहना था कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय उनका सर्जरी किया जाए। उनकी सर्जरी उसी समय हुई है जिसमें एक प्रसूता है जिनका नाम है जूली सिंह। उन्होंने हमें कल से ही बता दिया था कि उन्हें कल सर्जरी करवानी है। उनको आज एक बेटा हुआ है जिसका नाम उन्होंने रघुनंदन सिंह रखा हुआ है। इसके साथ ही दो और प्रसूताओं को दो बच्चियों भी हुई है, जिसमें से उसके घर वालों ने एक का नाम मिथिला कुमारी और दूसरे का नाम जनक नंदिनी रखा हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि इसी तरह अन्य लोगों ने भी अपने बच्चों का नाम रखा है। आगे उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे यहाँ 4 नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 5 ऑपरेशन हुए हैं। आगे और भी ऑपरेशन चल रहे हैं। जो भी प्रसूता आ रही है हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की जो अयोध्या में हो रही है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरी तरह से हॉस्पिटल को तैयार रखे हैं, और कुछ लोग इलेक्टिव रूप से आज प्रसव कराने के लिए, इलेक्टिव सर्जरी कराने के लिए आए हैं। हम उनका स्वागत किए हैं, और उस टाइम में जिस टाइम में चाहें हमने सर्जरी किया है। जैसे एक बच्ची है, मतलब प्रसूता है, नाम है जूली सिंह, तो ये इलेक्टिव कल से ही बता देती कि हम कल आएंगे, तो उसका हम लोगों ने किया। और इसको एक बेटा हुआ है, इसने अपने बेटे का नाम रघुनंदन सिंह रखा है, और इसी तरह से और बच्चों का नाम रखे होंगे लोग, मुझे अभी पूरा पता नहीं चला। हाँ, दो बच्चियाँ भी हुई हैं, एक बच्ची का नाम रखा उसने मिथिला कुमारी और दूसरे का नाम रखा जनक नंदिनी। और बच्चों का नाम क्या है अभी तो पूछना पता करना लोग रख रहे हैं, इसी तरह से नाम आज रख रहे हैं।
तो टोटल कितने ऑपरेशन हुए रोज की अपेक्षा और रात? अभी तक तो हमारे यहाँ 4 नॉर्मल डिलीवरी हो गई है और 5 ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, तो देखिए कितना होता है शाम तक। पूरी तैयारी है? हाँ, जिसमें 7 बच्चे हुए हैं, 2 बच्चियाँ हुई हैं, और हॉस्पिटल उसके लिए तैयार है, पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमने 2-2 टीम लगा रखी है, एनेस्थेसिस्ट भी हमारे पास है, पीडियाट्रिशियन भी रुके हुए हैं, हम सब लोग रुके हुए हैं। जो भी आज भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आता है उसका स्वागत करने के लिए, और जो भी इस दुनिया में आ रहा है हम लोग उसका केयर करने के लिए डॉक्टर के रूप में बेहतर जैसे बेहतर जो सुविधा हमारे पास हो सकती है हमारे चिकित्सालय में वो हम लोग देने के लिए तत्पर हैं, मुस्तैद हैं। वहीं बेटे को जन्म देने वाली प्रसूता जूली सिंह ने बताया कि उनका ससुराल जौनपुर जिले में है, आजमगढ़ में मायका है। आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बेटे को जन्म दिया है, वह बेहद खुश है। बच्चे का नाम रघुनंदन सिंह रखा है। वहीं दोहरी घाट से आई प्रसूता विजय लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने बेटे को जन्म दिया है, नाम राजाराम रखा है। कहाँ की रहने वाली है? जौनपुर। जौनपुर? जौनपुर के किस गांव की? भाकुरा। भाकुरा की? यहाँ क्या है आपका? मायका है? हाँ, मायका। आज डिलीवरी हुई है? हाँ। बच्चे का क्या नाम रखे हैं? रघुनंदन सिंह। अच्छा, रघुनंदन सिंह नाम क्यों आपने रखा? बताइए। क्योंकि आज राम जी का वो था, आज प्रभु राम जी का जन्म। हाँ, जन्म प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, तो इसीलिए आपने रघुनंदन सिंह रखा। हाँ। खुश हैं? हाँ, क्यों? कहाँ की रहने वाली हैं? रसूलपुर। हाँ? रसूलपुर। रसूलपुर जी। थाना? द्वारी घाट। द्वारी घाट। आज आपको बच्चा हुआ है, क्या नाम रखेंगे? राजा राम। राजा राम, क्यों यही नाम रख रहे हैं? आज अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है इसलिए। अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए। खुश हैं? खुश हैं। हाँ, खुश हैं, एकदम खुशी है। हाँ। नॉर्मल हुआ कि ऑपरेशन से? नहीं, सीजर से। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टिगत आजमगढ़ जनपद को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोमवार सुबह से ही पुलिस चक्रमण कर रही थी। एसपी अनुराग आर्य स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। शाम को उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में फोर्स के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने बताया कि पुलिस लाइन से अलग अलग थानों में QRT दी गई थी, PSC का व्यवस्थापन किया गया था। हमारे यहाँ से ट्रैफिक का जो डायवर्सन है, अयोध्या अंबेडकर नगर वाला जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्ट किया गया था, उसके लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी। सादे कपड़े और LIU की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी जगह जो आयोजन है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। कुछ शोभा यात्राएं अलग अलग थाना क्षेत्र में थी, वह शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। शहर में थाना कोतवाली के साथ पैदल मार्च किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में जो संवेदनशील है वहां पर पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। सभी आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। शाम को दीपोत्सव के कार्यक्रम और अलग अलग भंडारे के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी। कहीं से भी कोई सूचना आती है तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी। 22 तारीख के आज के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। पुलिस लाइन से भी अलग अलग थानों में सारी QRTs दी गई थी, PSC का व्यवस्थापन किया गया था, और क्योंकि हमारे यहाँ से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है वो भी अयोध्या अम्बेडकर नगर वाला जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया था, उसके लिए स्पेशली ड्यूटियाँ अलग से लगाई गई थी, सादे कपड़ों में और LIU की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। सभी जगह जो आयोजन है वो शांतिपूर्वक चल रहे हैं। कुछ शोभा यात्राएं कुछ थाना क्षेत्रों में थी, वो कुछ उनमें से संपूर्ण हो चुकी हैं, सकुशल संपन्न हो चुकी हैं, कुछ अभी बाकी हैं। पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेसी के साथ लगातार गश्त में है, और अभी जो शहर का मेन एरिया है उसमें पैदल गश्त की गई है थाना प्रभारी कोतवाली के साथ। अलग अलग पॉइंट्स में जितने संवेदनशील स्थल है वहाँ पे पुलिस का व्यवस्थापन किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे माहौल में सारे आयोजन सकुशल संपन्न। दीपोत्सव का भी महोत्सव रखा गया है, घर घर दीपक जलाए जाएंगे, इसको भी लेकर। हाँ, ये अब शाम से जो शुरू होगा, इसी वजह से सुबह 4 बजे से हम लोगों की अलर्टनेस है। सुबह 4 बजे ही सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में निकाला गया था। मॉर्निंग चेकिंग भी इसी प्रकार से आज संवेदनशील क्षेत्रों की कराई गई थी। अब दिन की ड्यूटियां थी और अब शाम की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि बहुत सी जगह भंडारे चल रहे हैं और इसके बाद दीपोत्सव के आयोजन, अलग अलग जो मंदिर हैं
धार्मिक स्थल हैं और लोग अपने घर में भी दीपक जलाएंगे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी। कहीं कोई भी सूचना आती है उसको तत्काल जल्दी से जल्दी अटेंड करना और लोगों के आपसी सहयोग से उनसे बातचीत करके समस्याओं का समाधान कराना। तो अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ और बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से संपन्न हुआ। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो का भाव सोमवार को हर जनमानस के चेहरे पर नजर आया। नजर आए भी क्यों ना, आखिरकार 500 साल के लंबे अंतराल के बाद यह शुभ घड़ी आई कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस अवसर पर पूरा नगर भगवान राम की भक्ति में सराबोर नजर आया। हर कोई प्रभु राम के आगमन की तैयारी में पहले से ही जुटा हुआ था, अपने घरों पर रोशनी करने में लगा हुआ था, कोई भगवा झंडे को अपने प्रतिष्ठान के ऊपर लगा रहा था। और यही कारण भी रहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शहर से लेकर गांव तक भगवान श्री राम की पताका लहराती नजर आ रही है। सोमवार को रामलला विराजमान हुए। दीपावली के मानिंद घर घाट मंदिर गली चौराहे चिरागों से रोशन हो उठे। नगर के मंदिरों के साथ चौकी, थाने, स्कूल, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों को भव्यता के साथ रोशन किया गया। सोमवार को हर नागरिक साल की दूसरी दीपावली मनाता नजर आया। बाजारों से आतिशबाजी के अलावा इस नई दिवाली पर दीपक जलाने के लिए और मोमबत्ती खरीदने के लिए भारी भीड़ बाजारों में दिखाई दी। जगह जगह बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। मंदिरों में अखंड रामायण पाठ, सुंदर कांड से लेकर मोहल्लों में श्रीराम कथा का आयोजन हुआ। शाम को पूरे क्षेत्र में दिवाली जैसा माहौल रहा। मेरे घर राम आए हैं की खुशी में घर घर दीप जले। आकर्षक रोशनी से पूरा शहर जगमगा गया। शहर की सड़कों चौराहों पर जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए। जगह जगह भव्य भंडारे आयोजित हुए। लोग प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। पूरा माहौल राममय हो गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कार्य किया गया है ये बहुत सराहनीय कार्य है और इसका माहौल जो है हर मोहल्ले, हली हर गली, हर कूचों में ही देखने को मिल रहा है कि सब मोहल्ले राममय हो गए हैं। और इसका श्रेय केवल हमारे श्री प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लोग अपने अपने तरीके से गली, हर गली, हर मोहल्लों को खूब सजाया गया है। हर तरफ एक जश्न का माहौल, मोहल्ले वासियों के साथ रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है। सभी घर पे ध्वजा पताका लहराया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और संध्या में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। और सबसे अपील भी यही है कि सब लोग अपने घर पे राम उत्सव को धूमधाम से मनाएं तथा एक दीपक अवश्य जलाएं। धन्यवाद। आज राम जी का भव्य मंदिर में पहुँचे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी के खुशी में। ये कुर्मी टोला माधबरगंज बजरंग शक्ति दल की ओर से कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी 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 जी, सारे लोगों के सहयोग से हुआ है ये। अरे आप यहाँ पर तस्वीर के साथ माला लगा और रोड लाइट लगा हुआ आप देख रहे हैं। भव्य भंडारे का भी आयोजन है। बहुत अपरंपार, बहुत अपार, पूछिए मत पूछिए, व्याख्या नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पर राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इतना उत्साह हम लोगों के अंदर है कि हम लोगों ने पूरे अपने वार्ड को सजा के रखा है और तरह तरह से खुशियों का माहौल बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो प्रसाद वितरण करके और आपस में एक दूसरे से नए तरीके से दिवाली की तरह उत्सव मना करके काफ़ी उत्साह के साथ इस त्यौहार का आगमन कर रहे हैं और राम जी को बहुत ढेर सारी आशीर्वाद लेने ले करके और उनसे जो है यही निवेदन करेंगे कि ऐसे ही जो है हम लोग का हिंदुत्व हमेशा आगे बढ़ता रहे, इनका प्रचार प्रसार ऐसे ही होता रहे। इतना उत्साह है
प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कि हम लोग एकदम आनंदित हैं, कण कण रोम रोम आनंदित है, पूरा प्रकृति खुश है, जीव जंतु सब खुश है। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपने पूरे मोहल्ले को सजाए हुए हैं और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, राम राज्य का आगमन हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि पुनः राम राज्य की स्थापना आज से प्रारंभ हो जाए। युग राम राज का आ गया, घर घर भगवा लहरा गया का दृश्य सोमवार को हर तरफ और हर घर पर दिखा। कहने वाली बात नहीं की प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा न होकर आम जनमानस के विश्वास की प्रतिष्ठा हुई है। लोगों के सदियों की साध और साधना पूरी हुई। सबसे बड़ी सरकार राम सरकार अस्तित्व में आई। लोग आस्था भाव से भर उठे। किसी झांकी में राम परिवार दरबार के रूप में जाते हुए काली चौरा मोहल्ले के ये बच्चे जब अपनी गली से निकल रहे थे तो लोग इन्हें रास्ते में रोक पूजन वंदन कर रहे थे। नवकंज लोचन कंज मुख पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे। अपने अपने घरों में उन्हें आमंत्रित कर भक्ति भाव से गुनगुना रहे थे कि बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। राम सेतु की चर्चा होती है तो वानर सेना के योगदान को कोई विस्मृत नहीं कर पाता। और ऐसे ही गली गली अवध सजाने वाले ये डेकोरेटर आपके सामने हैं। इनका नाम अभय चौरसिया है। रामकाज करने में ये सुबह 6 बजे से ही जुटे हुए थे। शाम 6 बजे तक सिर्फ चाय पीकर इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की गली मोहल्ले सड़के चौराहे गुब्बारे से सजाने का काम किया। अपने 10 से 15 दोस्तों की मित्र मंडली के साथ मिलकर उन्होंने कोलघाट तकिया पुरानी कोतवाली सब्जी मंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 6000 गुब्बारे सजाए। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके अंदर इतना उत्साह था कि उन्हें भूख प्यास का पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है, हम भाग्यशाली है जो हम राम मंदिर को बनते हुए देखे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये 2000 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मंदिर का लोग प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखेंगे, उसकी साक्षी बनेंगे। 2000 साल में किसी भी मंदिर का लोग जानते हैं कितना कब हुआ, ये किसी का एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ कब है। किसी मंदिर बना तो सबको मालूम है कि 10 साल के बीच में ये बना है, पर ये कभी नहीं बोला गया है कि इसी दिन बना था। इस ऐतिहासिक इतिहास के ऐतिहासिक पल के दंडों में हम लोग साक्षी बने हैं राम प्रतिष्ठा के रूप में। अच्छा, आज कब से आप ये कार्य कर रहे हैं? हमको तो लगभग 10 साल हो गया। नहीं, आज के दिन, आज जब से आप गुब्बारे लगा रहे हैं? हम सुबह 6 बजे से लगे, सुबह छः बजे से लगे हुए हैं। अच्छा, किन किन इलाकों में और कितने गुब्बारे आपने लगाए? हम लगभग 6000 गुब्बारे लगा चुके हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर। अच्छा, कौन सा ग्रुप है आपका? सब दोस्त हैं हमारे। अच्छा, मित्र यार मिलके? जी जी। अच्छा, तो ये इसके लिए क्या पैसे आप चंदा लिए थे या? चंदा नहीं, जो ऐसे हमारा हम लगाते हैं, डेकोरेटिंग का काम करते हैं तो चार्ज। अच्छा, ये 6000 गुब्बारे आपने कहाँ कहाँ लगाए? तकिया पे लगाए, पुरानी कोतवाली पे हमारे लोग लगाए, भाई साहब और भैया के यहाँ भी लगाए, फिर सोनू भैया के यहाँ लगाए, ऐसे ऐसे लोग कई करते हैं। अच्छा, तो अभी काफ़ी समय हो गया सुबह से आप लगे हुए हैं, तो कितने लोग आपके साथ हैं? लगभग 10-15 लोग। अच्छा, अलग अलग जगह लग रहे हैं। तो ऐसा जैसे राम काज आप लोग कर रहे हैं जी, तो क्या कुछ खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ? लंच वगैरह की इसी तरह चल रहा है? व्रत सुबह से हम लोग बस सुबह चाय पी के चल रहे हैं, सिर्फ चाय पी के चल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनपद राममय है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर हर्षोल्लास देखने को मिला। जनपद में गांव से लेकर शहर तक भंडारा और अखंड रामायण का पाठ किया गया। श्री राम के आने की खुशी में भक्त फूले नहीं समा रहे और इसी क्रम में माधव इंटरप्राइजेज द्वारा सिधारी थाना रोड के शीतल छाव भवन में सोमवार को अखंड रामायण पाठ के समापन के उपरांत पूर्णाहुति प्रसाद वितरण व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। जय श्री राम, जय श्री
अभी अभी आया था, दुनिया हरा भरा बन कर देगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर घर में त्योहार सा नजारा रहा। घर से लेकर बाहर तक सजावट की गई। हर खास और आम ने अपने अंदाज में श्रीराम के आने की खुशियां मनाई। इस अवसर पर गांव से लेकर शहर तक भंडारे का आयोजन किया गया है। लोग अखंड रामायण का पाठ कराने के साथ खुद भी पाठ यूं किए कि मानो हर घर में त्योहार हो। लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। यजमान रविंद्र बरनवाल कहना था कि रामलला टेंट में थे और हम ठाट से सो रहे थे। अब हमें सुकून है कि रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। इस क्षण के हम लोग साक्षी बने हैं। आज 500 वर्षों बाद सबसे बड़ी खुशी का दिन आया है। इस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान हो गए हैं और हमारे यहाँ भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रहा है उसके उपलक्ष्य में कल से ही अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और ये झांकी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस झांकी के द्वारा हम लोग राम भगवान की स्तुति कर रहे हैं और आज उनका पूजन अर्चन करके राम प्राण प्रतिष्ठा जो हो गया उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सामूहिक रूप से सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा और आज के दिन हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उमंग के साथ, हम लोग उल्लास के साथ ये त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। हम लोग इसको लाइव प्रसारण भी करवा रहे हैं और भंडारा भी करवा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और हमारी पूरी टीम, हमारे बड़े भाई हैं, सभी लोग उत्साहपूर्वक यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जी सभी लोग बहुत खुश हैं, पूरा पूरा समाज, पूरा सीधा, पूरा व्यापार मंडल इस खुशी में शामिल है और हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं। ये त्यौहार के रूप में हम लोगों का माधव इंटरप्राइजेज की तरफ, सिधारी की तरफ से भव्य रामचरितमानस का कल से आयोजन हुआ और अखंड पाठ हुआ यहाँ, और सुबह से ही प्रसाद का वितरण चल रहा है। वो हमारे धर्म की नगरी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी 500 वर्षों का जो इंतजार था पूरे जनमानस को, वह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा दुनिया में हावी रही है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ सुबह से भजन कीर्तन चल रहा है और प्रसाद का वितरण चल रहा है। भव्य हमारा आजमगढ़, क्योंकि हमारा सटा पड़ोसी जिला अयोध्या है और रामनगरी में पूरा राष्ट्र हुआ है, राष्ट्र का दुनिया हमारी राममय हो गई है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारा आयोजन हुआ है और जनमानस का कल्याण के लिए, दुनिया की विकास के लिए, समृद्धि के लिए ये आयोजन हुआ है। और यह आज शाम को भी बहुत भव्य, जितने हमारे राष्ट्र में मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, यानी धर्म, एक धर्म, सारे धर्म आपस में मिलजुल करके सारी संस्कृति परंपरा को लेकर के भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, दुनिया का कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण के लिए भारत माता। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में मानस सेवा समिति द्वारा भजन, प्रवचन इत्यादि विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रारंभ में आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन एवं महंत संजय पांडे ने वैदिक रीति से देवी देवताओं का पूजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संघ चालक सुरेश शुक्ला के हाथों असहायों को कंबल भी दिया गया। उन्होंने अपने संबोधन में राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्र की एकात्मकता की कामना की। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा कि अखिल ब्रह्मांड के नायक श्रीराम के दिव्यादर्श भूमंडल के समस्त जीवों के मुक्ति, शांति, आनंद, समरसता के मूल आधार है। उनके आदर्शों का जीवन में अनुसरण करके पारिवारिक, सामाजिक संबंध और आध्यात्मिक साधना के समस्त लक्षण सिद्ध होते रहेंगे। अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम धार्मिक मूल्यों के संस्थापक है, वे लोगों के अंतस्तल में विराजमान है। अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पर नवनिर्मित मंदिर से संपूर्ण जनमानस में हर्ष व्याप्त है। कार्यक्रम में कथावाचक अंकित महाराज ने अपने संगीतमय प्रवचन में श्रीराम महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। मौके पर साहित्यकार संजय कुमार पांडेय सरस, डॉक्टर दीपक पांडे, रवि प्रताप सिंह, रणविजय सिंह, शिवम जी, एच एन पाठक, टीपी मिश्रा, मनोज पांडे, गोविंद दुबे, सुनील बरनवाल,
आलोक, उत्कर्ष, गौरव, विपिन, नीलांबुज, अच्छेलाल साहू सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्री राम जानकी मंदिर गुरु घाट में अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो नव निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी के उपलक्ष में यहाँ पर भजन कीर्तन प्रवचन गरीबों को कंबल वितरण इत्यादि विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संचालक श्री सुरेश शुक्ला जी हैं और प्रोफेसर पवनाथ सिंह मयंक और अंकित महाराज का प्रवचन भी हो रहा है और ठीक प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर मंदिर पर पूजन पाठ पुष्पांजलि के भी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के मूल हैं, सनातनियों के अंतस्थल में विराजमान हैं, उनके जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा से संपूर्ण जनमानस आह्लादित है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के अवसर पर अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। प्राण प्रतिष्ठा होते ही अधिवक्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तथा एक दूसरे को बधाई दी। इससे पहले सोमवार को कचहरी खुलने पर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के साधारण सभा की आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडेय ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। बैठक में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के अवसर पर हर्ष जताते हुए इस अवसर को ऐतिहासिक बताया। तत्पश्चात पूरे दिन न्यायिक करते हुए पूरे दिन न्यायिक कार्य विरत रहने का निर्णय लिया गया। उत्साहित अधिवक्ताओं ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया तथा प्रसाद वितरण किया। इस अवसर विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश मिश्र, लक्ष्मीकांत पांडे, संतोष सिंह, प्रभाकर सिंह, अनिल कुमार सिंह आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पूरे सिटी में वाहन की सुविधा एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11 साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।